हज़्ब इख्तलाफ की पीडीएम में शामिल जमातें 31 दिसंबर को अपना अपना इस्तीफ़ा पीडीएम के हवाले कर देंगी, पीडीएम का दावा। मरकज़ी वज़ीर इंफॉर्मेशन शिबली फराज का दावा है कि हज़्ब इख्तलाफ का कोई मेंबर पीडीएम के हवाले अपना इस्तीफ़ा पेश नहीं करेगा। पीडीएम के जलसों में जिस तेज़ी से आवाम का हुजूम बढ़ रहा है, हुकूमत की नब्ज तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। अब इमरान खान बजाय हुकूमती मामलात देखने या सुनने के, इखलाकियात का दर्ज देने, मुखालफों को ना माफ़ करने, इख्तलाफ राय करने वाले सहाफ़ियों को करप्ट साबित करने पर पूरा जोर सर्फ कर रहे हैं। सियासी तज़िया निगार अपनी अपनी बोलियाँ लाप रहे हैं। अमूमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बुकरात भी सोशल मीडिया के जानिब दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अमूमी मीडिया अव्वल तो कोई देखता नहीं है और देख ले तो उस पर एतबार नहीं करता। सोशल मीडिया में चंद बाकी नक्काद एंकर्स के प्रोग्राम के साए में हम भी हुकूमत की दी हुई रोटी हलाल कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया भी इन पादरियों की वजह से अपने असरात खो रहा है। ये बात तय है कि इमरान खान की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये भी सच है कि पूरी दुनिया में इसी किस्म के हुक्मरान मौजूद हैं। अमेरिका हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, ब्राज़ील हो, हंगरी हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, एक सिलसिला है दीवानों का जो मसनद पे हैं सवार। अमेरिकी सदर तो फारिग हो गए लेकिन बकिया अभी बराजमान हैं। अब आवाम परेशान है, मीडिया की बातें सुने तो लगता है आज रात इमरान खान चले जाएंगे। हुकूमत की सुने तो लगता है इमरान खान पाकिस्तान के पहले ताहयात वज़ीर आज़म हैं। बाज़ार जाएं तो महंगाई पागल कर देती है। हुकूमती वज़रा की बातें सुने तो महसूस होता है आप किसी गलत बाज़ार में गए थे। हर जगह हर अशिया पाकिस्तान में बिल्कुल सस्ती है। साबका हुकूमतें हर दम घबराई घबराई नज़र आती हैं। हर तरह का काम करने और आवाम की मुकम्मल हिमायत के बावजूद कुर्सी कमज़ोर नज़र आती है, जबकि पीटीआई हुकूमत पहले रोज़ से बेफिक्रों की हुकूमत लगती है। कोई खौफ नहीं, कोई कुर्सी का डर नहीं, ये सब आखिर क्यों? कहते हैं हर हुकूमत फ़ौज की रजामंदी की मोहताज रही है। भुट्टो जैसा ताकतवर हुक्मरान भी जनरल गुल हसन से जान छुड़ाने के लिए दाव पेच खेलता रहा। जनरल टिक्का खान के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए अच्छे जनरलों को छोड़कर सबसे बड़े मुनाफिक और कमज़ोर मजहबी जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बनाया गया। मियां नवाज शरीफ ने बहुत जांच पड़ताल के बाद अपने तौर पर पहले महाजिर जनरल मुशर्रफ को इसलिए आर्मी चीफ बनाया कि बगावत ना कर सकें, लेकिन सब तदबीरें हो गईं उल्टी, कुछ ना दवा ने काम किया। इमरान खान के मामले में हर फलसफा फेल हो गया। आखिर क्या वजह है? इमरान खान को फ़ौज का तआवुन हासिल है, ये तो सब जानते हैं। फ़ौज का तआवुन तो भुट्टो से लेकर मियां नवाज शरीफ सबको रहा, लेकिन हवा के रुख के साथ तब्दील होता रहा। इमरान खान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या इमरान खान को बैरूनी ताकत का सहारा है? क्या मौजूदा आर्मी चीफ के पास इमरान खान के अलावा कोई नहीं? क्या दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं? क्या मुल्क के हालात ऐसे हैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं? क्या दोनों किसी ख़ास मकासद के लिए मुत्तहिद हैं? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तमाम तर तज़ियों और तनकीद और पीडीएम की तहरीक के बावजूद मुझे पूरा यकीन है इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल का भी यकीन है। पीडीएम के तमाम अराकीन इस्तीफ़ा दे दें, पीटीआई इन सीटों पर इलेक्शन कराएगी और फिर पीटीआई और मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। पीडीएम के लिए बस ये मशक सुखन जारी रखना ही मुनासिब है। धमकियां देते रहें लेकिन असेंबली कुर्सियां ना खाली करें। 7 साल इंतज़ार करें, 2028 के इलेक्शन तक वक्त बदल चुका होगा। आवाम सड़कों पर आने का फ़ैसला कर सकेगी और जज्बाती नारे दम तोड़ चुके होंगे और फिर सड़कों पर जमहूरियत का फ़ैसला मुमकिन हो जाएगा।